बल्लभगढ़ में इन दिनों नगर निगम की टीम एक्शन मोड में अवैध निर्माणों पर अपना पीला पंजा चला रही है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। नगर निगम की टीम के लिए अवैध कब्जों को हटाना सिरदर्दी बनते जा रही है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ लोगों के साथ दो चार होना पड़ रहा है, बल्कि कार्रवाई के दौरान ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी उम्मीद शायद नगर निगम में भी नहीं होगी। दरअसल हुआ यूं कि बल्लभगढ़ के पथरावी मंदिर में बनी दुकानों को खाली कराने के लिए नगर निगम का दास्ता और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और मौके से फरार हो गए। लिहाजा अब निगम ने इन दुकानों को सील करने का फैसला किया है और जल्द ही इन सभी को नोटिस भेजकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शॉपकीपर्स को बोला था भाई दुकान खाली करने के लिए एक हफ्ते पहले भी, तो ये कह रहे थे जी हमें समय दिया जाए, फिर आज आए थे खाली करवाने के लिए ना, अभी तक करी नहीं, तो अभी ताड़ा लगा के सारे चले गए। मामला था क्या, किस दुकान किसकी, आखिर क्यों खाली कराना चाहता निगम, क्या करना चाहता है? ये पथवारी मंदिर नगर निगम की खानाकाश में नगर निगम की है और ये दुकानें फिर उसी प्रीमिस में है, तो ये नगर निगम की दुकानें हैं एक तरह से, और ये किराएदार मंदिर वालों ने इन्होंने किसी ने बिठा रखे हैं जो कि अवैध है। अब इनको नगर निगम प्रशासन चाह रहा है कि भाई ये हमारे कस्टडी में आए दुकान में और हम अपना इनकी जो भी है। तो फिलहाल दुकानें बंद मिली हैं, तो क्या लगता है कब खाली होंगी, कब ये कब्जे में निगम ले पाएगा इसे? अब ज्वाइंट कमेटी साहब से बात करी है तो इनको शॉर्ट टाइम का नोटिस देंगे, खाली करवा देंगे या सील करेंगे। क्या खाली करवाएंगे या सील करेंगे? हाँ। कितनी दुकानें हैं? छः दुकानें हैं। इसके साथ साथ एक जो खाड़ा भी है वो भी कहीं ना कहीं निगम की ज़मीन में है, क्या उसे भी निगम अपने कब्जे में लेना चाह रहा है या भी और उस पर थोड़ा सा चलेगा? जैसा हमारे अधिकारी कहेंगे, जैसे आदेश की पालना करें। फिलहाल दुकानों के लिए अधिकारियों ने आदेश दिए? अधिकारियों दुकानों के लिए बोला कि भाई इनको कब तक नोटिस जारी हो जाएंगे इनके? कल नोटिस जारी हो जाएगी। बता दें कि बल्लभगढ़ की चामला कॉलोनी से लगता हुआ पथवारी मंदिर कई सालों से इसी तरीके से बना हुआ है, लेकिन जिस जमीन पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है वो पूरी जमीन नगर निगम के अधीन आती है, और अब इसी मंदिर के बाहर एक तरफ लगभग 6 दुकानें बना करके किराए पर दे दी गई हैं, जिसे खाली कराना नगर निगम के लिए चुनौती से कम नहीं है। नगर निगम के SDO ने बताया है कि इस तरीके से निगम की जमीन पर दुकानें बनाकर किराया वसूलना गैरकानूनी है। SDO के मुताबिक इन सभी को नोटिस भेजकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बल्लभगढ़ से अनिल राठी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।